बढ़िया से एफएन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सेमीफाइनल्स ऑफ द वैलोरेंट चैंपियनशिप स्पॉन्सर्ड बाय बारकोड ई स्पोर्ट्स लाउंज एंड माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर सदर्स एंड प्लेयर एंड स्ट्रीमिंग पार्टनर एज प्लेयर ऑबिट। सो हेलो देयर, आर यू टायर्ड ऑफ लूजिंग योर गेम्स? डू यू प्ले फॉर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स एंड स्टिल अनएबल टू क्लाइम अप द रैंक्स? वेल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ योर गेमिंग सॉल्यूशंस इज हियर। At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now. सुबीस्ट क्या लगता है? हेवन का मैप
आज हमारा मैप हेवन है वैलोरेंट के सेमीफाइनल में। दो टीम्स, पहली टीम का नाम एनएचके है, दूसरी टीम का नाम फुल आयरन लॉबी है। आज देखते हैं, बढ़िया मैच होने वाला है। पहली टीम के मेंबर्स है रैना, ओमन, केजे, जेट एंड सोवा। ओके, सो फर्स्ट राउंड इन द गेम, और डिफेंडिंग की तरफ अगर देखा जाए तो तीन प्लेयर, दो प्लेयर बी की तरफ, एक प्लेयर गैराज होल करते हुए। 16 सेकंड्स फॉर द गेम टू बिगिन। आप क्या सोचते हैं, ये दोनों टीम की अप्रोच क्या रहने वाली है गेम के लिए? दोनों एग्रेसिव खेलना चाहेंगे, डिफेंडिंग साइड भी एग्रेसिव खेलना चाहेंगे कि थोड़ा देर पहले मैच को सिमर होने देंगे, इजी लेंगे गेम को, और फिर एज द गेम प्रोग्रेसेस आगे। जैसे कि हेवन में हर बार देखा जाता है कि लाइक अटैकर्स बहुत फेवर करते हैं, बाकी तीन साइड है क्योंकि उनके पास। सो देखते हैं कि ये मैप भी उनके मतलब अटैकर्स के फेवर में पहला हाफ जाता है कि नहीं जाता है, बिकॉज ऑलरेडी जेट पुशिंग कर चुके हैं बहुत अंदर तक, वहाँ पर ट्रैप है, इफ ट्रैप ट्रैप डिस्ट्रॉय किया जाता है तो इन्फो मिल सकती है, बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और अटैकर्स ने पिक किया जेट को, पर वहाँ पर अच्छा ट्रेड है वहाँ पे फ्रॉम द डिफेंडर साइड ऑल्सो। स्पाइक स्टैप ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका था, तो बैकस्टैप डिफेंड करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही कोई प्लानिंग थी, एंड इसीलिए डिफेंडर्स ने पहला राउंड काफी अग्रेसिव खेला, सामने आकर पुश किया बहुत, एंड ये राउंड अपने नाम कर गए वो पहला। सो अभी देखते हैं कि सेकंड राउंड कौन लेकर जाएगा यहाँ पे, एंड फुल आई थिंक सो बाय कर रहे हैं डिफेंडर्स। दे शुड सेव नाउ, अगर अभी बाय कर लेंगे देन इफ दे डोंट विन दिस राउंड नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर से देखते तो काफी अग्रेसिव खेल रहे डिफेंडर्स, एंड दो पिक ऑलरेडी निकाल चुके हैं रेना, रेना की तरफ से दो पिक आते हुए वहां पे, एंड तीसरा पिक रेना का, ओ फोर पिक किया रेना ने, एंड सोवा विद अ सिंगल पिक, एंड ये राउंड फ्लॉलेसली एंड किया है सेकंड राउंड, अपने बाय को पूरे तरीके से यूटिलाइज किया है वहां पे, बट अभी अटैकर्स के पास में फुल बाय होने वाला है एंड डिफेंडर्स के पास में वही वेपन्स, बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जेट के पास में ऑप आ चुकी है। यहाँ पर जेट बीच मिड पर शॉट लेने का ट्राई करते हुए, अटैकर सी साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑलरेडी ऑपरेटर का बहुत प्यारा पिक है यहां ऑपरेटर के, सेकंड पिक पर ब्रिमस्टोन ने काफी अच्छा डिफेंड किया उसे, एंड यहां पे सोवा यहां पे अपने ड्रोन से इनको निकालते हुए केजे और ऑपरेटर चलाते हुए हैं, काफी अच्छे से ब्लॉक कर चुके हैं एंट्रेंस वहाँ पे, एंड 3v2 का सिचुएशन है, डिफेंडर्स तीनों के तीनों मौजूद सी साइड पर, गैराज पुश कर रहा है डिफेंडर्स, लेकिन स्लैग बहुत बढ़िया दो किल निकाले यहाँ पे, बट अभी सिंगल 1v1 सिचुएशन है, स्पाइक ऑलरेडी स्काई के पास है, आई थिंक स्पाइक तो प्लांट हो जाना चाहिए या तो बी साइड पर या फिर ए साइड पर, बट आई थिंक प्लांट करना चाहिए क्योंकि ए साइड स्काई के पास ऑपरेटर है, शी कैन किया जाए वहां देखना तो ही अच्छा होगा, पीछे पीछे बिल्कुल नहीं देख रहे, एंड ऑल अबाउट द टाइमिंग, कौन किसे पहले शॉट करता है, बहुत प्यारा स्पॉटिंग यहां पे केजे का और बहुत प्यारी पिक निकली, अच्छा रिफ्लेक्स दिखाया एंड पिक किया स्काई को, डिफेंडर्स तीन राउंड लगातार, वो भी डिफेंडिंग में हेवन जैसे मैप में तीन मैप तीन राउंड कंटिन्यू लेके जाते हुए यहां पे,
यहाँ पे डिफेंडर्स ने अग्रेसिव स्ट्रेटजी करते हुए एक बहुत अच्छा पुश किया था फर्स्ट राउंड में, जिसके बाद से उनका मोमेंटम बिल्ड हुआ और उसको कैरी फॉरवर्ड करके वो काफी अच्छे नेक्स्ट राउंड को मोमेंटम बिल्ड करते हुए अपने टीम को साथ लेते हुए एक सिनर्जी दिखते हुए और बहुत प्यारा गेम प्ले यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो डिफेंडर्स अपनी पोजीशन काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं, कॉल आउट्स एकदम प्रॉपर जा रहे हैं उनके। अगर पूरी टीम एक भी पिक निकलता है साइट पर तो पूरी टीम रोटेट करती है टुवर्ड्स दैट साइट। एंड अगेन यहां पर फ्लैश जाता हुआ स्काई का, ये अब राउंड मुश्किल हो जाएगा, क्रेड्स अटैकर्स के पास नहीं है, लेकिन एक ना एक राउंड उनको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी दे विल बी इन अ बिग ट्रबल। सो यहाँ पर फिर से डिफेंडर्स डोमिनेट करते हुए एंड ब्लाइंड हो चुके हैं, वनली फोर का सिचुएशन है एंड ओमन ने फिर से जाके स्पॉन पे उनके ही मार दिया। काफी अग्रेसिव खेल रहे हैं डिफेंडर्स, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे अटैकर्स। अब अपनी स्ट्रेटजी स्विच अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव गेम प्ले दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो सेम एक ही साइड पुश करते रहेंगे, स्प्लिट होके खेले, रीटेक पे खेले, अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो रिकॉन करने जा रहे सोवा वहां पे, बट किल दे बैठे अपना। एंड सी साइड पर फिर से यहाँ पे ऑलरेडी ओमेन रोटेट कर चुके हैं फ्रॉम द गैराज साइड, पर बी साइड को थोड़ा स्मोक डाल के ओपन रखा जा चुका है वहाँ पे। बट जेट एंड ऑल और एक पिक निकालते हुए फ्रॉम द साइड ऑफ जेट और एक ऑपरेटर पिक, सी साइड टोटली ओपन, केजे के सेटअप्स बच रहे हैं वहाँ पे सिर्फ। बहुत अच्छा, बी साइड एंट्री तो मिल जाएगी बट क्या एग्जीक्यूट कर पाएंगे, केजे ने स्काई को यहाँ पे मारा एंड विजन ब्लॉक किया जाएगा, जो स्पाइक तो डाउन, हाँ स्पाइक डाउन हो गई है एंड डिफेंडर के जेट ने बहुत प्यारा ऑपरेटर पिक निकाला है। क्या दोनों जेट्स काफी अच्छा खेल रही है, जेट ने स्पॉट किया ऑपरेटर्स, बहुत 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 काफी अच्छा बैकअप केजे के, केजे का डिफेंडर केजे का एंड 1v2 का सिचुएशन है। ओ बट लाइक काफी अच्छा अटैकर्स का एग्जीक्यूशन था, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। देखिए अभी इन्हें चालू किया बिल्ड अप करना अटैकर्स ने, पहले सी साइड गए फिर रोटेट किया, फास्ट रोटेट करके बी साइड पर प्लांट किया एंड कुछ पिक्स निकालने के बाद में साइड कमिट ना करते हुए अलग साइड पे रोटेट किया, काफी अच्छे अच्छा डिसीजन था वो, अच्छा डिसीजन था। लास्ट के जो पहले पहले चार राउंड थे वो एक ही साइड पे स्टिक कर रहे थे और डिफेंडर्स अलग साइड से आके उन्हें बैक स्टेप करके चले जा रहे थे। दो ऑपरेटर्स देखने को मिल रही है फ्रॉम द अटैकर साइड, ये काफी 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 अलग चीज है, लोग जनरली अटैकिंग में ऑपरेटर यूज नहीं करते, यूज करते तो जेट मेन सी यूज करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर दो ऑपरेटर्स काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्स्थ राउंड रोल इन होता हुआ यहाँ पे, थोड़ा शॉक डार्ट से डैमेज डील किया एंड अगेन जेट ने यहाँ पे शॉट स्विच किया, जिगल काफी अच्छा जिगल था वो, लाइक मिस किया एंड वहां पर ऑलरेडी रेना पुशिंग कर चुकी है काफी, लाइक एंट्री तक पुशिंग कर चुका है एंड एंट्री तक पुशिंग कर चुके हैं रेना एंड वापस से बैकअप जाते हुए। एंड अगर देखा जाए तो एक भी साइड को ऐसा खाली नहीं छोड़ा गया है, बहुत प्यारा पिक है यहां पे साइफर का गैराज में, पुश किया एंड रिटेलिएट किया उस चीज को एंड अल्टी से सबकी लोकेशन तो अभी रिवील हो चुकी है, बट क्या इस अल्टी का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो पाएगा। दो बढ़िया वो बट डिफेंडर्स की तरफ से काफी अच्छे किल्स आते हुए वहां पे एंड और एक किल निकालते हुए डिफेंडर्स की किल जॉय, ब्रिमस्टोन ने लेकिन अच्छा, यहां पे 1v2 का सिचुएशन, अल्ट भी अवेलेबल है बट यहाँ पर आई थिंक सो पोजीशन नोन है बट शॉट नहीं लिया गया अगेन, और बहुत प्यारा शॉट है केजे का, थ्री किल्स निकाले राउंड वहां पे। ब्रिमस्टोन पास करने के बाद फिर से एक बार पिक दिए पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें पता था कि ऑपरेटर है वहां पर, स्टिल दैट वाज अ बिग मिस्टेक। सो क्या लगता है 5-1 का स्कोर अटैकर्स फेवर्ड मैप में एंड इकोनॉमी की बात की जाए तो अटैकर्स की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है,
और अगर देखा जाए तो अभी अटैकर्स मिड राउंड पर पुश कर रहे हैं एंड डिफेंडर्स लाइक वो अपने पोजीशन अच्छे तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, जेट अरेना को पिक करते हुए एक ड्यूलिस्ट ने ऑलरेडी ड्यूलिस्ट को पिक कर चुके हैं ऑन दी ए साइड एंड अगेन वहां पर मिड की तरफ बहुत क्योस अटैकर्स फिर से एक ही जगह पर हर्डल करके ग्रुप करके बैठे हैं, अगर कोई प्लेयर डिफेंडिंग साइड से पुश करके उनको खत्म कर सकता है कोई भी अटैकर लर्क नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी लाइक अगर पीछे अगर कोई बैक स्टेप आता है काफी प्यारा शॉट और से अच्छा ट्रेड किया काफी अच्छा मतलब ट्रेड गेम अच्छा खेला है वहां पे एंड अगर ए साइड देखा जाए तो फ्री है ए साइड पूरे तरीके से स्पाइक को प्लांट हो जाना चाहिए इजीली और अगर साइफर के ट्रैप्स देखे जाए तो सिर्फ एक ए लॉन्ग पर एक ट्रैप है एंड आई थिंक उनके पास ट्रैप बचा नहीं है और कोई डिफेंडर्स अगर ये पिक निकल जाता है डिफेंडर्स का वो काफी अच्छा सिचुएशन था वहां पे ब्रिम वर्सेस केजे ने यहां पे हेवन स्पॉट किया है एंड वो अल्टी का यूज करेंगे बट अल्टी आई थिंक सो डिनाई की गई है वहां पे कि अल्टी यूज हो चुकी है एंड यहां पे डिफ्यूज हो रहा है 1v2 का सिचुएशन एंड आराम से डिफ्यूज हो जाएगा जो स्टेज को आने में बहुत टाइम लग जाएगा और अपना ग्राउंड भी निकाला गन भी सेफली कैसे दे बहुत बड़ी मिस्टेक थी आपको मालूम है कि आप स्पाइक को डिफेंड मतलब स्पाइक डिफ्यूज को नहीं रोक सकते तो यू शुड हैव सेव्ड योर गन क्योंकि आपकी टीम का वैसे ही क्रैच खराब है ऑलरेडी वहां पे सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई थी इवन आफ्टर लाइक डिफेंडर्स लॉकडाउन एंड भाई वहां पर ही ब्रिम को पिक किया गया एंड द गेम वाज डन ओवर देयर बट अगेन 6-1 का राउंड प्योर डोमिनेशन दिख रहा है अटैकर्स की तरफ से हैरी का काफी अच्छा एक साथ पिक किया काफी अच्छा पुश किया मिड एंड प्रॉपर रीड एक तरीके से बोल सकते हैं इस राउंड को काफी खूबसूरत तरीके से खेल रहे हैं डिफेंडर्स एंड एक अटैकिंग अटैकर्स फेवर्ड मैप में डिफेंडर्स लीड पर है और ऐसी वैसी नहीं लेंगे कि 3-2 लीड कर रहे हैं 7-1 लीड कर रहे हैं अगर ये स्वॉप 11-1 का भी हो जाता है तो काफी अच्छा स्वॉप रहेगा काफी ज्यादा अच्छा स्वॉप रहेगा फिर तो आई थिंक अटैकर्स विल बी most probably out of the game agar aisa hua to they need to get catch the rhythm right now if they don't फिर से सारे अटैकर्स मिड पे वहां पर मौजूद डिफेंडर जेट फिर से पुश कर काफी पुश कर चुके हैं एक भी प्लेयर देख नहीं रहा एंट्री एंड बहुत सारे किल्स मिल सकते अटैकर्स ने दो पिक निकाले बहुत पुश किया था बट पुश अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए राउंड बी आई थिंक तीनों साइड्स खाली है डिफेंडर्स पॉन पर केजे मौजूद एंड ए की तरफ इन्फो निकाली जा चुकी है बट बी तरफ प्लांट हो सकता है क्योंकि स्मोक भी है बट 4v2 का सिचुएशन है एंड प्लांट आई थिंक सोवा ने एक पिक निकाला अल्टी से अभी दे हैवंट प्लांटेड यट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग दोनों So, यहाँ पे अभी सिचुएशन प्लांट करते हुए साइफर यहाँ पे एंड प्लांट हो चुका है स्पाइक दोनों डिफेंडर्स एक ही साइड पर एक ही तरह एक ही तरफ मौजूद है एंड आई थिंक सो इन्फो सबके पास है अभी जेट विंडो भी यहाँ पे जेट होल्ड स्पैम में जेट को पिक किया जा सकता है एंड सो एज पिक जेट 2v2 सिचुएशन यहाँ पे काफी अच्छा पिक साइफर का यहाँ पे आई गेस अटैकर्स डिफेंडर्स कुछ बचा नहीं था वो राउंड में स्टिल उन्होंने काफी परेशानी की लाइक वहां पे परेशानी क्रिएट की अटैकर्स के लिए क्या ये अटैकर्स का कमबैक होगा अटैकर्स को अब रीग्रुप करके फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर वो ऐसे ही
ड्यूअल माइंडेड गेम प्ले के साथ आगे बढ़ता रहे तो इट विल नॉट बी गुड फॉर हिम. ऑब्वियसली लाइक अगर वहां पर एक राउंड निकल रहा है और आगे वाले के चार राउंड निकल रहे तो दैट इज नॉट अ स्ट्रैट लाइक प्रॉपर स्ट्रैट बन नहीं पा रहा है. अटैकर्स साथ में ग्रुप पुश क्यों कर रहे हैं जब उनसे हर बार यही ग्रुप पुश में वो किल्स निकल जा रहे हैं. डिफेंडर्स पुश करके उनको ब्लॉक करके मार दे रहे बट दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग. फिर से वही हो रहा है. एंड इस बार लाइक जेट सोवा को पिक करते हुए एंड ओमेन ने भी ओमेन ने जेट को पिक किया एंड यहाँ पर आई थिंक सो स्पॉटेड काफी अच्छा पिक था पर ट्रेड गेम हुआ यहाँ पर. अभी तक 2v3 का सिचुएशन है. 2v2 सिचुएशन है मैं प्रिस्टन ने बढ़िया रहना का पिक निकाला यहाँ पे एंड रोटेट कर देना चाहिए. वही सही डिसीजन है. काफी अच्छा डिसीजन अटैकर्स की तरफ से और तेजी से रोटेट करना चाहिए जबकि इनको है उनके पास. अगर I think so, फिर से वो प्लान कर रहे हैं टू ए की तरफ जाने का बट जेट एक सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है उनके लिए. जेट अभी साइड पर होल्ड कर रहे हैं. बहुत अच्छा डिसीजन है. एंड यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. अगर साउंड क्यू नहीं देंगे तो किल नहीं कर सकता. एंड काफी अच्छा जेट का ब्रिम का निकाला है शॉट से यहाँ पे और जेट ने बहुत प्यारा यहाँ पे दो किल्स निकाले और अच्छा होल्ड किया साइड को. वहां पर इन्फो मिलने के बाद भी वहां पर स्पाइक डाउन हो चुका था ऑलरेडी. ए लॉन्ग पर स्पाइक गिर चुका था एंड फिर से ए पुश करना वाज लाइक काफी अच्छी मूव थी बट इट वाज रीडेबल. मतलब थी यार वो कोई और एंगल से पुश करते दो ही एंगल है शॉर्ट से आएगा या लॉन्ग से आएगा. एंड वो दूसरी साइड टोटली खाली थी. तीन साइड्स है हेवन में. काफी बड़ा मैप है. ठीक है टोटली रोटेट करके सी जाते तो प्लांट भी मिल जाता एंड पोजीशन भी मिल जाती बट फिर से ए पर जाना वो एक मूव ऐसा था कि लाइक बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एंड एंगल्स चेक नहीं किए गए प्रॉपर्ली. पूरे अटैकर सी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंडिंग जेट सी जा रहे हैं. एंड देखिए कॉल आउट कितना अच्छा है लाइक प्रॉपर जैसे ही आता है कॉल आउट चारों के चारों डिफेंडर्स मूव कर चुके हैं ऑन दी साइड एंड काफी मुश्किल होगा अभी अटैकर्स के लिए. काफी ज्यादा मुश्किल होगा जैसे ही आरआर बॉट ट्रिगर होता है वहां पे डिफेंडर्स ने अपना पूरा कंटीन्यूअस स्पैम आएगा. कंटीन्यूअस कभी में चार अटैकर्स कभी में बैठे हुए हैं. एंड सी की तरफ लाइक पूरे अटैकर्स लॉन्ग होल्ड करते हुए अटैकर्स ने पहला किल निकाला रेना का स्मोक के थ्रू किल किया. यहां पे रिवाइव रेजन ने तीन पिक्स निकाल लिए यहां पे से ने. काफी देर तक सिंगल स्पॉट होल्ड करने का यही नतीजा होता है. एंड यहां पे केजे की चार पिक्स जेट का एक पिक और डिफेंडर्स बहुत इजीली गेम को अपनी तरफ लेके जाते हुए अगेन सेम मिस्टेक अटैकर्स की तरफ से वही चीज कर रहे हैं. वही सेम चीज रिपीटेटिव वही सेम चीज. और ये टाइम आउट की काफी ज्यादा जरूरत इस समय डिफेंडर्स ने लिया गया है टाइम आउट. Hello there. Are you tired of losing your games? Do you play for thousands of hours and still unable to climb up the ranks? Well, your one-stop destination for all of your gaming solutions is here. At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now. So we are back in the game. Yahan par round chalu hota hua. Jet ne do pick nikala. Defender Jet ne teen pick nikal diye. Brimstone akele bache unne ult kiya aur Brimstone ko yahan pe Omen ne piche se aake pick nikal liya. And again ye defenders ki taraf se ek acha push tha. स्वैप में स्कोर 10-2 वो भी हेवन जैसे मैप में जिसमें बोल ही रहा था 11-1 या फिर 10-2 कोई एक चीज पे तो स्वैप हो ही सकता था. चलो एक राउंड एक्स्ट्रा अटैकर्स के साइड में गया बट अभी आफ्टर स्वैप
डिफेंडिंग साइड अटैकर की तरफ आ चुकी है एंड देखना होगा कि लाइक अब डिफेंडर्स का गेम प्लान क्या होगा बिकॉज प्रॉपर लाइक प्रॉपर टीम लेकर आई है अटैकर्स, दो ड्यूएलिस्ट, एक सेंटिनल, एक स्मोकर और एक इनिशिएटर, लाइक प्रॉपर टीम जो वैलोरेंट का फॉर्मेट होता है. एंड देखते हैं अभी अटैकिंग साइड में क्या कमाल देखने को मिलता है. अब उनकी जेल देखना पड़ेगा, डिफेंडिंग साइड डिफेंडर्स का जेल कैसा है, टीम कैसी सिनर्जी से खेलती है. हां तो लास्ट राउंड वो लोग बहुत ही बोलो केओस वाला गेम प्ले था उनका कुछ. एंड अगेन ऑलरेडी रेना एक पिक निकाल चुकी है सेज का, ऑन आई थिंक सो बी साइड पर निकाला गया है वो पिक. एंड यहां पर से डिफेंडर्स पुश कर चुके हैं एंड अटैकर्स फिर से वही गलती करते हुए. क्या इस बार अटैकिंग साइड में भी जेट ने यहां पे टीम से आफ्टर स्वैप सेम गलती हो सकती है क्या दोनों टीम की तरफ से. बट नहीं, ऑलरेडी स्पाइक डाउन हो चुका है लाइक बी पर ऑलरेडी प्लांट कर दिया. जेट ने 100 का पिक निकाला है, फिर रेना ने एक और पिक निकाला, शायद और तीन पिक निकाल चुके हैं. एंड अटैकर्स अपना दबदबा दिखाते हुए फिर से 11-2 तो ये जो फुल आयरन लॉबी है जो इनकी टीम है लाइक काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए सिंक्रोनिसिटी से खेल रही है और रैना उनकी बहुत प्यारा गेम प्ले दिखाया लास्ट राउंड पुश किया अच्छा साइड क्लियर अभी अटैकर्स टोटल पुश कर रहे हैं इस साइड पर ऑलरेडी पिक निकाल चुके हैं ए साइड टोटली एम्प्टी अटैकर्स के लिए एंड डेफिनेटली ये मैच पॉइंट हो सकता है. प्लांट तो हो ही जाएगा इजी प्लांट है साइड होल्ड कर सकते हैं और डिफेंडर के पास कोई चारा नहीं बचेगा. एंड वहां पर फिर पुश कर रहे हैं जेट ने एक और पिक निकाला ब्लेस्टोन ने मार्शल से अच्छा जेट का पिक निकाला यहां पे. एंड 3v4 का सिचुएशन है एंड फुल आयरन लॉबी साइफर नीचे एंड पीछे से ओ माय गॉड साइफर पीछे है किसी को कोई भी आईडिया नहीं है. एंड 3v1 का सिचुएशन अगर डिफ्यूज पर बैठते हैं तो केजे के सेटअप्स है ही ऑलरेडी केजे ने स्पॉट किया यहां पे केजे एंड अटैकर्स वन लाइक मैच पॉइंट पर है. फुल आयरन लॉबी ये एनएचके की तरफ से सही में लाइक देखा जाए तो काफी प्रदर्शन उनका अच्छा था बट दो ही राउंड निकाल पाए. उनके प्लेयर्स का एम अच्छा है, गेम प्ले अच्छा है बट स्ट्रेटजी दे डोंट हैव द स्ट्रेटजी टू विन अ गेम. और वहीं पर देखा जाए तो फुल आयरन मिस्टेक्स सिंक में खेल रहे हैं, मिस्टेक्स नहीं कर रहे, मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उससे लर्न करके उसको काउंटर करके आगे बढ़ रहे हैं. सिर्फ दो राउंड दिए उन लोगों ने, काफी अच्छा पिक निकाला उमेन के ऊपर. एंड 4v3 का सिचुएशन अभी अटैकर्स ने स्पाइक प्लांट कर दिए हैं एंड स्पैम आता हुआ थोड़ा सा जेट के ऊपर बट काफी अच्छा पिक साइफर का. साइफर बहुत अच्छा पिक निकाला सैमबोन ने एंड यहां पर टरेट ब्रेक ही नहीं कर रहे, ब्रेक ही नहीं कर रहे, बहुत अच्छा पिक निकाला यहां पे वेंडल से. एंड टरेट को ब्रेक ना करना बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि इन्फो मिल रही थी उन्हें एंड अटैकर्स वन द मैच वेरी इजीली एंड आर थ्रू टू द फाइनल्स ऑफ अंतरंग टी20 वैलोरेंट चैंपियनशिप. काफी अच्छे तरीके से गेम खेला गया यहाँ पे फ्रॉम द साइड ऑफ फुल आयरन लॉबी टीम. बहुत अच्छा गेम प्ले प्योर डोमिनेशन देखा गया उनकी तरफ से. एंड अगर देखा जाए तो मैच एमवीपी तो यहाँ पर हैरी विद 20 किल्स एंड 4 असिस्ट. बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया. 15 राउंड्स में मैच खत्म एंड लाइक हेवन जैसे मैप पे जहाँ पे एक अच्छा टफ कंपटीशन देती है अटैकर्स अटैकिंग साइड में दो ही राउंड निकाल पाए एंड काफी अच्छा ये मैप था, मजा आया. टू एनएचके उनको अपनी टीम वर्क पे वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज वर्क आउट करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा. नेक्स्ट मैच विल बी स्टार्टिंग इन 5 सो स्टिक टू द स्ट्रीम गाइस. सेमीफाइनल 2 विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स और टीम से जीपॉप और प्लूटो ई स्पोर्ट्स.
Hello there. Are you tired of losing your games? Do you play for thousands of hours and still unable to climb up the ranks? Well, your one-stop destination for all of your gaming solutions is here. At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now.
Hello there. Are you tired of losing your games? Do you play for thousands of hours and still unable to climb up the ranks? Well, your one-stop destination for all of your gaming solutions is here. At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now.
सो यहाँ पर सेमीफाइनल्स का सेकंड मैच जीपॉप वर्सेस प्लूटो स्पोर्ट्स। ओके सो जीपॉप वर्सेस प्लूटो स्पोर्ट्स अंतरागिनी 2022 लैन वैलोरेंट इवेंट का सेमीफाइनल्स टू। यहाँ पे प्लूटो वर्सेस जीपॉप अटैकर्स पे है प्लूटो, अटैकर्स पे प्लूटो स्पोर्ट्स, डिफेंडर्स पे जीपॉप। सो यहाँ पर अगर पिक्स की बात की जाए एक्सेंट पर बीस्ट आप क्या पिक करते हैं? एक्सेंट पर मैं यूजुअली कोई सेंटिनल या कंट्रोलर खेलता हूं, आई वुड यूज ओमन या सीज। ओके सो यहां पर अगर देखा जाए अटैकर्स की तरफ से क्या पिक्स हो रहे हैं? अटैकर्स साइड चैम्बर रेना ओमन जेट एंड सोवा। एंड डिफेंडर साइड देखा जाए तो जेट चैम्बर लॉक कर चुके हैं। ओके दोनों टीम्स चैम्बर के साथ खेलते हुए, बट यहां पर एक स्लाइट चेंज, सेज और ब्रिमस्टोन वहाँ पर उमेन, यहाँ पर अटैकिंग साइड में सेज नहीं लिया गया है, किसी को भी रेसरेक्ट नहीं कर सकता। अटैक साइड में लिया गया, डिफेंडर साइड में आई थिंक या डिफेंडर साइड में सेज है, अटैकर साइड में सेज नहीं है। तो एक हीलर का एक फैक्टर है वहाँ पे जो लैग करेगा। एंड वील बी स्टार्टिंग विद द मैप सून, यहाँ पर 42 सेकेंड्स मैप के लिए। तो अटैकिंग साइड्स में प्लूटो स्पोर्ट्स और डिफेंडिंग में जी पॉप, यहाँ पे काफी बी साइड पुश करने की कोशिश कर रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मैप जो काफी इंटरेस्टिंग हो, दोनों टीम बेस्ट परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे और जो भी मिस्टेक करे उससे सीखे और रिकवरी करे, ऐसा ना हो कि सेम मिस्टेक्स दोहराते। सो अगर मैप की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अटैकर्स मूव ऑन करना चाहते हैं बी साइड पे, ऑलरेडी एंड अटैकर्स अंदर घुस चुके हैं साइड के। रैना ने यहां पे ब्रिमस्टोन का भी पिक निकाला, काफी अच्छा पिक, वो साइड काफी अच्छी होल्ड कर चुकी है, 2v1 सिचुएशन है। यहां पर प्लांट कर देना चाहिए, ऑलरेडी 1 मिनट बचा है, काफी अच्छा टाइम है उनके पास में, पर स्पाइक डाउन है और बाहर है वेयर जेट इज होल्डिंग ऑन। अगर एंगल चेक नहीं किया गया तो टेक डाउन किए जाएंगे एंड टेक डाउन कर चुके हैं यहां पे जेट, पोजीशन है बट जेट ने बहुत अच्छा निकाला यहां फ्रेंजी से, काफी अच्छी पोजीशन होल्ड की वहां पर। अटैकर्स की तरफ से एक गलती हो गई कि स्पाइक पीछे ही छोड़ दी और साइड पुश कर दिया। एंड ये पहला राउंड डिफेंडर्स अपने फेवर में लेके जाते हुए, क्या वो बाय करने वाले सबसे ट्रिकी लगता है मिड से पुश करना, बिकॉज मिड से दोनों साइड एक्सेसिबल होती है। सो क्या अटैकर्स मिड जाना प्रेफर करेंगे या फिर वही बी लॉन्ग से अंदर एंट्री लेना चाहेंगे? तो यहाँ पर अटैकर्स यहाँ पर सेज का स्लो ऑफ टीम्स को, ओ काफी अच्छा पिक यहां पे चैम्बर ने अपनी शेरिफ से निकाला है, हेड हंटर कहते हैं, लाइक हेड हंटर बोलेंगे तो लाइक प्रॉपर हेड हंट किया है उससे, एंड आर्मर नहीं था तो पूरा वन शॉट वन किल। एंड डिफेंडर्स काफी अच्छी तरीके से डिफेंड करते हुए, सोवा ने बढ़िया पिक निकाला है रैना का,
दो अटैकर्स बचे हुए हैं एंड लाइन ऑफ फायर में आए थे बट यहां पे चैंबर को सेज ने लिया, सेज ने सोवा ने सेज को पिक किया एंड चैंबर अकेले बचे हुए हैं फ्रॉम द अटैकर साइड एंड प्लांट के 300 क्रेड तो अपने खाते में वो लेके जाएंगे पक्का, ऐसा मेरे को लग रहा है। एंड यहां पर हां प्लांट तो हो ही जाएगा, प्लांट हो ही जाएगा बट ऑल डिपेंड ऑन द लाइक ब्रिम एंड ब्रिम ने पिक किया इजीली चैंबर को यहां पे पिक किया एंड ही विल डिफ्यूज एंड व्हेन द अदर राउंड फॉर देयर टीम। थोड़ी सी मस्ती करते हुए यहां पे ब्रिमस्टोन एंड अब लेकिन दोनों टीमों के पास फुल बाय रहेगा या लाइक फुल बाय बट अगर डिफेंडर्स की तरफ देखा जाए तो आई थिंक सो दो प्लेयर्स के पास ही फुल बाय आना चाहिए इफ अगर उन्होंने पूरे फुल बाय नहीं किया होगा पिछले राउंड में। अटैकर्स के पास तो फुल बाय रहेगा, अटैकर्स अभी बोनस पे ही खेलेंगे, आई डोंट थिंक सो दे विल गो फॉर परचेसिंग न्यू वंस। अटैकर्स यहां डिफेंडर्स की तरफ लाइक डिफेंडर्स के पास में एक जो क्वारी किल जॉय है वो आई थिंक सो इस पे खेलते हुए लाइक फुल शील्ड है उनके पास में बट एक सेमी मशीन सेमी गन सो यहां पर फिर से बी साइड प्रेफर किया गया अटैकर्स की तरफ से अभी तक ये स्पॉट नहीं हुए हैं जेट ने बढ़िया पिक निकाला बुक ने यहां पे चंबा का एंड अंदर से सोवा सोवा होल्ड करते हुए चारों तरफ से प्लेयर काफी अच्छा पिक वहां पे काफी अच्छा पुश किया यहां पर अटैकर्स ने डिफेंडिंग साइड पे उनको साइड की क्लियरेंस मिल गई है एंड यहां पर क्रूक प्लांट करते हुए प्लांट तो हो जाएगा और कुवारी किल ने यहां पे ओवर का बहुत प्यारा पिक निकाला है एंड यहां पर वैंडल पिक करते हुए अपने लिए दैट गॉट ओ बहुत प्यारा पुश किया अटैकर्स ने यहां पे सोवा ने अच्छा पिक निकाला जेट का बहुत अच्छा राउंड था ये अटैकर्स के पास अपने बाय को कन्वर्ट बाय को कन्वर्ट किया है वेस्ट नहीं किया है अगर वो ये राउंड हार जाते तो उनके पास क्रेड्स नहीं बचते और बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फिर से अटैकर्स जो है साइड फेवर कर रहे हैं वो है बी, कई बार और जाने का कोशिश भी नहीं कर रहे पर तीन डिफेंडर्स बी साइड पर ऑलरेडी बैक ऑफ बैक साइड पर कोई खेल नहीं रहा है चैंबर्स ने काफी फ्रंट पर एंड मिड पर कोई भी अगर पिक करता है तो आई थिंक सो और स्पॉटेड है फिर भी वेट किया चैंबर ने बढ़िया पिक निकाला अपने अल्टी से यहाँ पे एंड डीमन की तरफ भी एक रैंडम शॉट लिया और एक पिक बहुत प्यारा गेम प्ले यहाँ पे चैंबर का अपनी अल्ट का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए वहां पे सोवा के ड्रोन ने स्पॉट किया था उन्हें स्टिल वो स्टिक किया और उन्हें एक पिक निकाला यहां पर और एक पिक निकालने की कोशिश करते हुए जेट क्या अगर जेट पिक करती है तो उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है दोनों का ट्रिगर डिसिप्लिन वहां पर काम आएगा और एक निकाला शॉट यहां पर चैंबर ने एस नहीं एक ही गोली बची है उनके अल्ट में एंड एस हो सकता है कन्वर्ट कर सकते हैं बट अल्ट का बहुत ही शानदार उपयोग किया है यहां पे चैंबर ने अच्छे पिच निकाले एंड अटैकर्स की तरफ से एक पहला पिक आता हुआ वो सेज का एंड अटैकर्स आई थिंक सो ए साइड पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बट ब्रिमस्टोन ऑलरेडी शॉट पर गार्डन में मौजूद है एंड कांटेक्ट हो चुका है उन दोनों का सोवा ने बहुत खराब पिक किया है ब्रिमस्टोन का ओमन को राइट लेफ्ट देखते हुए 5v2 से 2v3 का सिचुएशन कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी जैक पुश करते हुए यहां पे लॉन्ग की तरफ से भी और हेवन की तरफ से दोनों एंगल्स कवर करना पड़ेगा प्लेयर्स को एंड काफी अच्छा जैक का जैक ने दोनों प्लेयर को डाउन किया बहुत काफी अच्छा वहां पे स्प्रे ट्रांसफर काफी अच्छा स्प्रे ट्रांसफर एंड एक राउंड और एक राउंड डिफेंडर्स अपने इसमें लेके जाते हुए फेवर में लेके जाते हुए एंड इस बार डिफेंडर्स का भी बाय राउंड था दोनों टीम्स इक्वल पे खेल रही थी इक्वल पे खेल रही थी पर चैंबर का जीनियस बहुत ही प्यारा उन्होंने सोवा का ड्रोन आया रिवील हुआ फिर भी वेट किया उन्होंने अपनी अल्ट का पूरा यूटिलाइजेशन किया बट एंड में जब अटैकर्स रोटेट किए 2v5 का सिचुएशन था आई थिंक सो तब जाके टेबल्स टर्न किए एंड सोवा ने जो पिक्स निकाले काफी क्रूशियल पिक्स थे एंट्री के लिए काफी क्रूशियल पिक्स थे वो एंड आई थिंक सो सोवा ने सेज का भी पिक निकाला एंड ब्रिमस्टोन का भी पिक निकाला फिर भी डिफेंडर्स लाइक अच्छे डिफेंडर्स ने कैपिटलाइज किया जेट ने अच्छा स्प्रे ट्रांसफर किया और अटैकर्स को
वो वहां पर सिचुएशन लाइक इतनी अंडर कंट्रोल कंट्रोल होने के बाद भी इतने पिक्स देना काफी सोवा ने ड्रोन किया है पोजीशन रिवील करने के लिए बॉट की पोजीशन रिवील हो चुकी है सीएच को स्पॉट किया मार्केट में सोवा ने या चेंबर अपने ट्रैप्स सेटअप करते हुए एंड अटैकर्स फिर से बी साइड को फेवर करते हुए वहां पे साइड के अंदर दो डिफेंडर्स मौजूद है मिडलिंग पर जेट अपना अल्ट लेके मार्केट में जेट ने एक पिक निकाला यहां पे अटैकर्स दो डिफेंडर्स को पिक कर डिफेंडर्स को पिक कर दिया एंड सोवा ने अच्छे दो पिक निकाले पर ओवर में बी का सिचुएशन बी यहां पे डिफेंडर्स साइड टोटली खाली हो चुकी है प्लांट बहुत इजीली हो जाएगा पर काफी अच्छा ब्रिमस्टोन का पिक एंड वो बहुत प्यारा क्रूट का बहुत ही प्यारा यूज ब्लेड का जायंट की एक अच्छा पिक निकाला है क्रिस्प हेडशॉट मारा है वहां पे जेट को काफी इंटरेस्टिंग मैप चलता हुआ काफी अच्छा ट्राई कर रही है काफी अच्छा ट्राई कर रही है गलतियों से सीख रही है एंड दे आर नॉट कमिटिंग देयर दैट मच देयर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन बट लाइक अटैकर्स फिर से बी साइड प्रेफर कर रहे हैं एंड लाइक एक तरीके से रीड भी हो सकता है डिफेंडर्स के मन में वहां पे बट स्टिल वो लोग स्टिक कर रहे हैं बी साइड पर एंड एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर वो हार कर रहे थे कांस्टेंटली एंड देन दे आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन बी देन इट इज रॉन्ग बट विंस भी निकाल काफी अच्छा रिकॉन ट्रेड गेम वहां पर काफी अच्छा हो चुका है प्लांट यहां पर हो जाएगा एंड अभी सिर्फ पोस्ट प्लांट सिचुएशन उन्हें खेलनी है अच्छे तरीके से एंड और एक राउंड अटैक अगर बोट हाउस अच्छा होल्ड कर सकते हैं देन इट विल बी एन इजी विन फॉर देम एंड अटैकर्स आई थिंक सो दोनों तरफ से कर रहे अटैकर्स डिफेंडर्स एंड यहां पर ब्रिमस्टोन का अच्छा अल्ट स्पॉट हुए और जेट ने दोनों प्लेयर को बहुत अच्छा पिक किया अब पूरा रिस्पांसिबिलिटी चेंबर के ऊपर चेंबर ने काफी अच्छा पिक किया चेंबर का बहुत प्यारा क्लच है यहां पे उन्होंने पहले जेट को डाउन किया फिर उसके बाद ब्रिमस्टोन का भी पिक निकाला 1v2 सिचुएशन टोटली कैपिटलाइज किए उन्होंने एंड अपने अटैक को कन्वर्ट किया है 3-3-3 ऑल राउंड यहां पर हो चुका है एंड क्या बात काफी जोरदार ब्रिमस्टोन के एल्ट से ओमन को बोट हाउस से बाहर आना पड़ा ओमन को डाउन किया और 2v1 सिचुएशन थी काफी इजीली ब्रिमस्टोन और जेट उनको निकाल सकते थे पर बहुत बढ़िया गेम प्ले है डिफेंडर्स की तरफ से एक अल्टी वेस्ट हुई है बट लाइक स्टिल वहां पे मतलब यूटिलाइज किया है अटैकर्स ने एंड पहला राउंड जब अटैकर्स ए साइड जा रहे हैं एंड मिड की तरफ चेंबर का अल्ट है यहां पे अटैकर साइड चेंबर का अल्ट है यहां पे अगर कोई भी मिड पिक करता है तो ये विल शॉर्टली टेकन डाउन और यहां पे ओमन ने मिड पिक किया और मिड से क्रॉस होकर चले गए बट उन्होंने किसी और डायरेक्शन में देखा यहां पे सोवा एंड रेना यहाँ पर सेज ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है ये राउंड और अटैकर्स भी ए चले गए एंड उन्हें लगाऊंगा कि लाइक सेज तो बी पर है बट सेज इज ऑन द ए एंड यहाँ पर दैट गॉट ऑलरेडी ए ग्राउंड और क्रूक का बहुत बढ़िया पिक यहाँ पे दैट ग्राउंड का क्या कुवारी की जॉय सुवा को पिक करते हुए एंड 3-4 का सिचुएशन यहाँ पर चेंबर ने बहुत प्यारा ब्रिमस्टोन का पिक निकाला यहाँ पे अपने एल्टी से यहाँ पे कुवारी यहाँ पर रेजरेक्ट आता हुआ दिख सकता है एंड रेजरेक्ट दिया जाएगा स्पैन और कुवारी की जगह बहुत प्यारा क्रूक का पिक निकाला सर्वेश ने एक और एल्टी से पिक निकाला सर्वेश 1v1 का सिचुएशन 1v1 का सिचुएशन है यहाँ पर प्लांट भी नहीं मारेंगे एंड आई थिंक सो चेंबर स्पॉटेड है चेंबर स्पॉटेड है पर चेंबर ने बहुत प्यारा आरजी डिफेंडर्स के चेंबर वहां पर जीतते हुए एंड और एक राउंड लीड में डिफेंडर्स काफी इंटेंस मैच हो रहा है एक राउंड डिफेंडर एक राउंड अटैकर और बहुत अच्छा मैच चलते हुए यहां पे अटैकिंग में है प्लूटो स्पोर्ट्स एंड डिफेंडिंग में है जी पॉप दोनों टीम्स अपनी स्किल्स पे प्रदर्शन करते हुए गलतियों से सीखते हुए और अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए लाइक जो चेंबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है अल्टी का एक भी शॉट मिस नहीं हो रहा है एक भी शॉट मिस नहीं हुआ दोनों चेंबर के द्वारा एक भी शॉट नहीं मिस हुआ
कोशिश करते हुए सेज का हेड स्पॉट किया चैम्बर ने, एंड यहाँ पर मिड मिड पर वॉल की जा चुकी है। काफी अच्छा डिसीजन, मतलब काफी अच्छा रीड है उनका, लाइक आई थिंक सो डिफेंडर्स काफी अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं, डिफेंडर्स काफी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं अटैकर्स को कहां जाएंगे, बिकॉज़ पिछला राउंड सारे अटैकर्स ए साइड पर थे एंड ए साइड पर वॉल था, इस बार सारे अटैकर्स बी मिड आए, मिड पर वॉल्ड है एंड लाइक प्रॉपर रीड लाइन ऑफ फायर में आ सकते हैं, पर क्वारी की जगह काफी अच्छा क्रिस्प शॉट रहना डाउन करते हुए ग्रुप का बढ़िया शेयर, काफी मुश्किल है ये गन चलाना एंड लाइक सिंगल शॉट कनेक्ट करना काफी मुश्किल, और काफी अच्छा गार्डन यहाँ पर फिर से दो राउंड अपने तो यहाँ पर गार्डियन से कुवारी किल जाने काफी अच्छे पिक्स निकाले, गार्डियन एक टफ गन टू हैंडल है क्योंकि उसमें एक वन बुलेट एट अ टाइम है, अगर आपका हेड कनेक्ट नहीं हुआ तो इट कैन बी गेम ओवर फॉर यू। हाँ काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट किया वहाँ पे, वो गेम वो गन का जो सेंस है वो कम्प्लीट तरीके से यूज वहाँ पर किया गया एंड यहाँ पर सोवा का ड्रोन जाते हुए एंड अगेन बी साइड पर वॉल्ड, चेंबर यहाँ पर मिड लर्क कर रहे हैं, देखा जाए डिफेंडर्स तो अभी भी जेट ए साइड पर मौजूद है एंड लाइक एंट्री मिल पाएगी या नहीं, बहुत टफ यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा जल्दी क्योंकि 52 सेकंड्स क्लॉक पर बाकी है एंड सोवा का अच्छा रिवील, बट आई थिंक सो भी रोटेट करने में टाइम रोटेट करने के लिए टाइम बहुत कम बचा है। ओके सो यहाँ पर 2v5 का सिचुएशन, क्वारी किलजॉय पिक निकालते हुए दो पिक क्वारी किलजॉय निकाले वहाँ पे एंड अटैकर्स की तरफ से एक ही दैट इज सोवा रिमेनिंग एंड ही विल बी टेकन डाउन बाय मिस्टिक मैक, और 6 राउंड डिफेंडर्स अपने फेवर में अभी तक ले जा चुके हैं एंड तीनों राउंड अटैकर्स की यही गलती कि बार बार एक साइड को स्टिक कर रहे हैं या फिर रोटेट नहीं कर रहे हैं, सही टाइम पर रोटेट ना कर पाना, स्प्लिट होके एक गेम ना खेल पाना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहा है अटैकर के द्वारा, अगर वो एक साइड को स्टिक कर रहे हैं बाद में रोटेट नहीं कर रहे हैं, अगर वहाँ पे डिफेंडर्स काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं पुश कर रहे हैं और अगर अटैकर्स का एक दो पिक निकाल लिया तो दे शुड रोटेट, पर रोटेट नहीं कर पा रहे हैं अटैकर्स, यहाँ पे सेव रहा है दे आर यूजिंग द शेरिफ्स एंड जेट का यहाँ पे एल्टी, चेंबर ने वहाँ पे मिस्टिक मैक ने यहाँ पर अपनी अल्ट का पूरा यूटिलाइजेशन दिखाना चाहेंगे बट मार्क हो चुके हैं, स्पैम आएगा वहां से बुलेट्स का, डॉज करना पड़ेगा, काफी अच्छा डॉज एंड डिफेंडर्स काफी लो ऑन एचपी थे और ही विल बी टेकन डाउन एंड यहां पर हेल से ब्राउन ने दो केस निकाले और अटैकर यहां पे डिफेंडर्स ने हेल चेक ही नहीं किया, हेल चेक ही नहीं किया, क्रूक 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 पे ही उनका फोकस था, उन्हें लगा कोई भी नहीं है बैक पीछे से खेल रहे हैं, उनको लगा अटैकर्स देयर इज ओनली क्रूक ऑन साइड बट हेल उन्होंने चेक नहीं किया
और ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हुई। एंड लाइक डिफेंड अटैकर्स अपने फेवर में एक राउंड निकाल के आप लाइक तीन राउंड के बाद एक राउंड अटैकर्स ने अपने अपने लिए निकाला और स्कोर 6-4 है। Six ये डिफेंडिंग फ्रेंडली मैप है आई गेस। एंड ऑलरेडी 10 राउंड हो चुके हैं, 10 राउंड्स हो गए और अटैकर्स आर इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्टेट। या एंड लाइक चार राउंड्स निकाले हैं 10 में से एंड दे कैन राउंड स्वैप के बाद वो इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। लाइक ये स्वैप काफी अच्छा स्वैप हो सकता है फॉर अटैकर्स, लाइक 7-4 का स्वैप या फिर लाइक एग्जीक्यूट किया गया डिफेंडर साइड से। So, यहाँ पर राउंड चालू होते हुए एंड फिर से अटैकर्स, ओ काफी दो पिक ऑलरेडी निकल चुके हैं अटैकर्स के फ्रॉम द डिफेंडर साइड एंड फिर से वही सिंगल एंट्रेंस है वहां पे एंड स्पैम किया जाएगा तो स्पैम में कोई ना कोई बुलेट तो कनेक्ट होगी ही होगी। यहाँ पे अटैकर्स के सोवा का अल्ट यहाँ पे वेस्ट हुआ है, बहुत प्यारे पिक निकाला है डिफेंडर्स ने, दो पिक बहुत अच्छे क्रिस्प पिक निकाला है मैच राउंड स्टार्ट होते ही पिक निकाल लिए तो। एंड अभी अगर अटैकर्स की बात देखी जाए तो अटैकर्स की स्विंग अच्छी नहीं है और एक पिक ओ माय गॉड ऑफ को पिक कर रहे हैं एंड मिस किया शॉट, लाइक काफी अच्छा पिक था वो बट पिजॉन ने जेट को पिक किया, वो उसकी जरूरत नहीं थी वैसे, लाइक काफी अच्छे पोजीशन पर डिफेंडर्स है एंड उस चीज की जरूरत नहीं थी, काफी एक्सपेक्टेड मूव था वो। कुवारी कुलजा ने यहाँ पे डेड गॉड को रिवाइव किया, सोवा ने यहाँ पे सोवा को पिक किया अटैकर सोवा ने, ब्रिमस्टोन ने बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए डिफरेंट अटैकर के सोवा को मारा और एक और राउंड यहाँ पे निकलता हुआ राउंड स्वैप में स्कोर 8-4 का स्कोप। और जैसा आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि 8-4 का राउंड स्वैप हो सकता है एंड वही हुआ है एंड अभी भी होप्स आर नॉट लॉस्ट, बहुत अच्छा स्वैप है ये अगर Hello there. Are you tired of losing your games? Do you play for thousands of hours and still unable to climb up the ranks? Well, your one-stop destination for all of your gaming solutions is here. At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now.
सो यहाँ पर आफ्टर द स्वॉप एंड एक टेक्निकल पॉज लिया गया था एंड वी आर बैक इन द गेम. यस वी आर बैक इन द गेम एंड अभी टेबल्स हैव टर्न. Pluto Esports is in the defending and G-Pop is in attacking side. तो Pluto Esports अभी defending side में है. Advantage थोड़ा बहुत advantage है Pluto Esports के साथ. They can come back from there. Like तीन से चार angles cover करने हैं entrance के and they are done. काफी अच्छे तरीके से handle हो सकती है situation and यहाँ पर अगर देखा जाए G-Pop A side को favor कर रहे हैं पहला ही round. एंड ये ब्लाइंड काफी अच्छा आता हुआ लेकिन मिस्टिक मैग पिक करते हुए उमेन को मिस्टिक ने अच्छा पिक निकाला यहां पे स्टेज ने वॉल कर दिया है एंड यहां पर डिफेंडर्स हेवन पर मौजूद स्मोक के अंदर. स्मोक के अंदर जेट है रैना को अभी वो चीज पता नहीं है. अपना जो लाइक मोटिव था पहला राउंड निकालने का वो कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट कर लिया है और अब उनके पास एक मोमेंटम है जो बिल्ड हो चुका है एंड दे कैन कैरी इट फॉरवर्ड. अभी डिफेंडर्स एंड ये मैं जल्दी अगर ये राउंड भी उनके फेवर में जाता है एंड फोर्स बाय आता हुआ डिफेंडर्स का फोर्स बाय आता हुआ. अटैकर्स ने भी बाय ले फोर्स बाय किया है. डिफेंडर को फोर्स बाय करना ही था. अगर वो ये राउंड नहीं जीतेंगे तो फिर उनके लिए चीजें मुश्किल होते जाएगी आगे क्योंकि एक बार अगर टीम डबल नंबर्स चली गई सो और मुश्किल हो जाएगा. एंड अगेन यहां पर फिर से स्पैम देते हुए तीन बंदे एक साथ पिक कर रहे हैं. कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है वहां पे एंड ऑलरेडी दो डिफेंडर्स डाउन हो चुके हैं. प्लांट विल बी गोइंग डाउन एंड तीनों डिफेंडर्स हेवन पे है. बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर तीनों को एक साथ पिक कर लिया यहां पे. ओह काफी अच्छा स्प्रे था क्वारी किल जॉय का बट ट्रेड में उनको भी बहुत लो किया है. स्टिंगर काफी अनस्टेबल गन है वहां पे. ओह चैंबर का बहुत बढ़िया 3 पिक यहां पे हेवन मतलब लाइक प्रॉपर वहां पे स्प्रे ट्रांसफर किया गया हेड टू हेड एंड कनेक्शन दिखाया गया फ्रॉम द साइड ऑफ चेंबर एंड बहुत अच्छा वहां पे एग्जीक्यूशन उस राउंड का. अच्छा एग्जीक्यूशन. अटैकर्स अभी अपने बोनस राउंड पे एंड डिफेंडर्स के पास अभी बाय नहीं है. देयर लोन क्रेडिट्स बहुत मुश्किल. एंड वहां पे अगर देखा जाए तो अटैकर्स ने अपना मोटिव पूरी तरीके से सक्सेसफुल करके दिखाया है. प्योर एग्जीक्यूशन वहां पर स्ट्रेट अवे इनटू द राउंड एंड लाइक एक साथ तीन लोग पिक किए. कोई चांस नहीं था डिफेंडर्स के पास रिएक्ट करने का. एंड जो स्टिंगर थी उनके पास स्टिंगर काफी अनस्टेबल गन है बहुत मुश्किल उससे एक स्पॉट पिक निकाला. एंड अगेन ओके सेकंड राउंड दैट गॉट ऑलरेडी चैंबर का पिक निकालते हुए यहां पे वगैरह सब डिसेबल हो चुके हैं एंड साइट पर कोई भी मौजूद नहीं. सारी साइट अटैकर्स के लिए फ्री छोड़ दी गई. दे आर होल्डिंग इट बैक पीछे. एंड अगेन सिटी पर वॉल काफी अच्छा टाइम वेस्ट होगा वहां पे. एंड अगर सुबह पीछे से आते हैं बट ट्रैप से आई थिंक सोने इन्फो मिल चुकी है. इलेक्ट्रिक्स का पे सुबह का पिक निकालते हुए 5v2 की सिचुएशन. ब्रिंस्टोन अब खुद ही वॉल टोर के साथ एंड जी पॉप काफी अच्छा खेल रही है. प्रेस करके जेट है यहां पे खेल निकालने के लिए. रैना ने यहां पे अच्छा पिक निकाला शेरिफ से जेट का. क्वारी किल जॉय ने स्मोक के थ्रू रैना को फिर से खेल लिया. और बहुत प्यारा पिक यहां पे. लाइन अप हो चुके थे दोनों प्लेयर्स एंड यहाँ पर क्रॉस फायर सेटअप कर दिया जा चुका है. एंड अटैकर्स 11 राउंड्स निकाल लिए. अटैकर्स आर नॉट लेटिंग इट गो. अपने जो विनिंग स्ट्रीक है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. एंड अभी ये राउंड काफी क्रूशियल होगा फॉर द साइड ऑफ डिफेंडर्स बिकॉज़ ये उनका फुल बाय है. एंड अटैकर्स की तरफ से आई थिंक सो काफी अच्छी उनकी इकोनॉमी बिल्ड हो चुकी है बस एक प्लेयर को छोड़ के. आई थिंक सो क्वारी किलजॉय की इकोनॉमी सिर्फ 2000 credits उनके पास रफली. ओह नो आफ्टर द बाय Like buy already हो चुका है. उसके बाद भी 2000 credits तो काफी अच्छी इकोनॉमी. काफी अच्छी इकोनॉमी है. अगर वो ये राउंड आते भी तो they will still have buy for next two rounds. Decent buy for next two rounds. Yeah, and वहाँ पर I think so रेना और सोवा सामने push करने का सोच रहे हैं. And but defending side को बहुत मुश्किल रहेगा. अगर ये राउंड हारे तो उनके credits फिर से एक बार बहुत बड़ा tumble लेंगे. And
प्रॉपर 90s मूव आ रहा है। रूब्रिक्स काफी अच्छा पिक, काफी अच्छा पिक जेट का। सोन ने पहला पिक निकाला है सेज का ट्रेड। मिस्टिक मैन यहां पर ओके 2v3 का सिचुएशन हो चुका है ऑलरेडी। काफी फास्ट पिक निकले वहां पे एंड ट्रैप ऊपर ट्रैप से किल निकाला है यहां पे बढ़िया ब्रिमस्टोन का। डिफेंडर्स अपना वर्थ प्रूफ करते हुए यहां पे काफी क्रूशियल राउंड था। इफ ये राउंड हारते डिफेंडर्स तो वो लोग मैच पॉइंट पर पहुंच जाते, बट डिफेंडर्स अपना गेम प्ले दिखाते हुए कि हम वापस आ सकते हैं एंड वी कैन विन दिस थिंग। एंड लाइक बाय राउंड था उनका काफी इंपॉर्टेंट, उन्हें जीतने के लिए अगर नहीं यूटिलाइज करते इस राउंड को तो डेफिनेटली ये मैप जीपॉप के हाथ में था। जीपॉप के हाथ में था, इजी विन फॉर जीपॉप एंड स्ट्रेट एंट्री टू द फाइनल। बहुत अच्छा गेम प्ले यहां पे डिफेंडर्स का, यही तो हम चाहते हैं कि टीम्स अपने पूरा दे गिव इन, पूरा गिव इन करें, बहुत अपनी टीम को अपलिफ्ट करें और खेले। ऑल होप्स आर नेवर लॉस्ट, अगर आप ट्राई करेंगे तो यू कैन स्टिल क्लिंच अ गेम फ्रॉम एनीवेयर। या एंड लाइक यहां पर अगेन फिर से अटैकर्स को देखा जाए तो ए साइड की तरफ स्लो एंट्री ले रहे हैं धीरे धीरे, पर ऑलरेडी तीन लोग स्पॉट हो चुके हैं बाई सो एंड स्टिल वहां पर आई थिंक सो एंट्री ली जाएगी। ओपन कर चुके हैं, कोई कंटेस्ट करने के लिए डिफेंडर है ही नहीं। एंड जो पोस्ट प्लांट खेलना चाहते हैं, प्लांट खेलना चाहते हैं डिफेंडर, सब होल्ड कर रहे हैं साइड, इजी साइड दे दिया है। एंड यहां पर प्लांट भी आराम से किया जाएगा, स्पैम हो रहा है आई थिंक सो वहां से फ्रॉम द कर्टन, बट यहां पर कोई कनेक्शन मिल पाता है या नहीं वो भी एक पॉइंट है। एंड अभी डेडवॉट ऑलरेडी एक पिक निकाल लिया, चैंबर का बहुत अच्छा पिक निकाला यहां पे डेडवॉट ने। एंड बिजॉन ने एक क्वारी की जगह का पिक निकाला एंड देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पिक था क्वारी की जगह, यू नो। एंड हेल को हेल फिर से हेल चेक नहीं किया जा रहा है, हेल फिर से यहां पर ओ अटैकर्स अपने अटैकर्स ने राउंड अपने फेवर में कन्वर्ट किया। डेडवॉट ने चार पिक्स निकाले, चार पिक निकाले, हेल में दो लोग वहां पर छुप के बैठे हुए थे। फॉर जीपॉप ईस्पोर्ट्स काफी अच्छा प्रदर्शन, लाइक दैट गॉट ऑलरेडी ड्यूएलिस्ट, लाइक उनकी वर्थ जो ड्यूएलिस्ट की है वो प्रूव कर रहा है। 21 kills अच्छे पिक्स निकाल रहे हैं, चैम्बर भी बहुत बढ़िया गेम प्ले, यूटिल्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेथ हंटर से बहुत अच्छा गेम। एंड अगर अभी देखा जाए तो ये मैप लाइक क्लोज इन भी हो सकता है या फिर ऑलरेडी क्वारी किल जो है एक पिक निकालते हुए जेट का, बैटल सेज का काफी अच्छा यहाँ पर मतलब देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ये यहाँ ये आखिरी राउंड टर्न आउट हो सकता है फॉर प्लूटो स्पोर्ट्स। बट काफी अच्छा पिक रूब्रिक का वहाँ पे मिस्टिक मैक का ओमेन पे पिक निकालते हुए। एंड यहाँ पर स्पैम क्या दैट गॉट फिर से ओ साइट क्लियर हो चुकी है अटैकर्स के लिए, 3v2 का सिचुएशन। क्या ये आखिरी राउंड है या फिर कुछ और, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपना सर्वेश अपनी अल्ट निकालते हुए चैम्बर एंड दैट गॉट पिक करते हुए 1v3 का सिचुएशन। क्या सर्वेश अपनी टीम के लिए गेम बचा पाएंगे। एंड यहाँ पर अल्ट भी आते हुए बट दैट गॉट यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोट अनडाउटेडली दैट गॉट 24 kills और चैम्बर का भी बहुत अच्छा गेम प्ले था, उनकी टीम बहुत जेल्ड और बहुत प्यारा गेम प्ले, काफी अच्छे तरीके से। एंड जो सपोर्ट था पीछे की तरफ से लाइक इवन सेज 12 kills निकाले उन्होंने एंड लाइक प्रॉपर लाइक क्रुक का यहाँ पर थोड़ा थोड़े बहुत मतलब उनके जो शॉट्स थे वो इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। एंड जो हमारी प्लूटो ईस्पोर्ट्स है उनका ही शॉट्स मिस हुए, बहुत एसेंशियल क्रूशियल मोमेंट्स में कुछ-कुछ मिस्टेक्स हुई थी, वो ट्वीक करके वो काफी अच्छा कर सकते हैं। ओके सो गाइस कल 11 AM ग्रैंड फाइनल्स बेस्ट ऑफ 3 हमें दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, द आयरन फुल आयरन लॉबी एंड जीपॉप, इन दोनों के बीच में फाइनल्स कल 11 से 1 के बीच होगा। एंड दोनों टीम्स काफी अच्छे से काफी अच्छी तरीके से लाइक एक टीम ने दो राउंड्स दिए, एक टीम ने दो राउंड्स दिए, एक टीम ने पांच राउंड्स दिए, तो डिफरेंस तो नहीं है, मैप का डिफरेंस हो सकता है, मैप डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस दोनों टीम में, दोनों टीम काफी अच्छी है, कल काफी मजा आएगा ये देखने में, कल अच्छा गेम प्ले देखने मिलेगा, दोनों टीम एक दूसरे को अच्छा कॉन्टेस्ट देगी, अच्छे पिक्स देखने मिलेंगे,
अच्छी स्टैट्स दिखेगी और एंड या सो लाइक लास्ट लाइक लास्टली हम थैंक यू करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, दैट इज बारकोड ईस्पोर्ट्स लाउंज एंड माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर्स सदर आल्सो आवर स्ट्रीमिंग पार्टनर प्लेयर ऑर्बिट. Hello there. Are you tired of losing your games? Do you play for thousands of hours and still unable to climb up the ranks? Well, your one-stop destination for all of your gaming solutions is here. At PlayerOrbit, we provide you with resources to refine your gameplay via 1v1 training, video lectures, gameplay reviews, and customized sessions by our professional coaches. Be it Valorant, Apex Legends, Warzone, and many more, we've got you covered. We understand your passion for gaming and strive to provide you with the best learning platform the gaming community has to offer. So what are you waiting for? Join PlayerOrbit now.